जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। विपत्तियां हमेशा हमें बुद्धिमान बनाती हैं, जबकि समृद्धि अक्सर सही गलत में फर्क भी नहीं कर पाती। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर ने क्या छीना हमसे। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो साहब, ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जित तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। अगर आप खुद को सबसे अलग देखना चाहते हो तो खुद को केवल 12 महीने दो। फालतू दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद कर दो। अपने इंटरेस्ट को ढूंढना शुरू कर दो। किसी एक स्किल में मास्टर हो जाओ। अपने इनकम सोर्स बनाओ और जिम जाओ और खुद को फिट रखो। यकीन नहीं करोगे, आपकी ज़िंदगी केवल एक साल में सबसे बेहतर हो जाएगी। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओगे सीखते जाओगे। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल बनकर लिया जाता है। पहचान ऐसी बनाओ कि लोग शक्ल से नहीं, नाम सुनते ही पहचान जाए। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि ये वही पल है जहां तुम्हारी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। तुम जलन बेहिसाब रखना, हम जलवे बेहिसाब रखेंगे। किसी ने पूछा, इस जहां में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त। अगर वो सही है तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब तुझे चलना है अपने पैरों पर? कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ हैं वो कल भी तुम्हारे साथ रहेंगे। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों बदलेंगी जरूर। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और जब कामयाब होगे तो सब जलेंगे। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। याद रखो, तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। यही जिंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ बुरे हालातों से अकेले ही जंग लड़नी पड़ेगी। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है।